हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइबल क्राफ्ट्स एके। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये फ्लावर। एंड ये फ्लावर को बनाने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप इसको एक एक पॉइंट सीख सकते हो भी आपको ये कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको एक कार्डबोर्ड लेना था सर्कल वाला, तो मैंने उसकी शूट नहीं की, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक सर्कल कार्डबोर्ड लेना है, तो सर्कल कार्डबोर्ड लेकर आपको कुछ पिंक कलर के फ्लावर बनाने हैं। तो फ्लावर बनाने कैसे हैं इस वीडियो को तो आपको आगे देखना होगा, तो चलिए हम आगे आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने एक सर्कल कट किया है एंड उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स हैं पिंक कलर की। तो हम बिल्कुल सेम ब्लू चार्ट को भी वैसे ही फ्लावर कट करेंगे जैसे मैंने पिंक फ्लावर को रखे। तो ये कैसे करना है सो मैं आपको ये दिखाऊंगी एक एक करके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये आपको कैसे बनाना है फ्लावर्स। सबसे पहले आपको एक चिक लेनी है, उसको आपको कुछ ऐसे फोल्ड करके एंड फिर दोबारा से फोल्ड करना है। फिर जैसे मैंने पकड़ा है बिल्कुल ऐसे पकड़ा है, तो बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना है आपको। फिर आपको कुछ फ्लावर शेप में आपको काट लेना है। तो देख सकते हो आप, मैंने इसको काट लिया है बिल्कुल फ्लावर शेप में। अब हम इसे बीच में कट करेंगे, थोड़ा सा साइड में से कट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे। सो जैसा कि आपको पता है प्राइस ये सर्कल था, तो सर्कल के बीच में से हमने कट कर लिया है, ऐसा कुछ इस टाइप में लगना चाहिए डोनर शेप में। सो जो अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी ऐसी मतलब स्ट्रिप्स बनानी है जैसे आप यहाँ पर लगाओगे। तो मैंने एक रिफिल ली थी, तो रिफिल की हेल्प से मैंने इसे बनाया है। तो आपको ये काफ़ी सारी बना लेनी है, तो फिर हम इसको ऐसे करके चिपका देंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। सो गाइज, आपको सारे ऐसे ही लगा देने हैं। सो पहले आपको आराम सारे साइड साइड पे लगा देने हैं, फिर आपको 10 सेकंड कलर, जैसे मैंने यहाँ पर पिंक कलर दिया, आप कोई भी ले सकते हो। फिर हम पिंक लगा देंगे सारी जगह, तो बीच में आपको ऐसे लगा देनी है ताकि कुछ ऐसा व्यू आए। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब हम पिंक भी लगा देते हैं। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे पिंक भी लगा दिए फ्रेंड्स, सब देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अब हम इसके बीच में कुछ डिज़ाइनदार मोती भी लगा देंगे, आपकी मर्ज़ी आपको लगाना या फिर नहीं, लेकिन हम लगाएंगे वाइट कलर के मोती लगाएंगे हम इसके बीच में। सो गाइज, ये कुछ मेरे पास वाइट कलर के मोती थे, तो मैंने ये सभी जगह लगा दिए। सो ये आपको दिख ही रहा होगा भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हम कुछ करेंगे। अब आपको कुछ थ्री टाइप के सर्कल्स बना लेने हैं, तो मैंने इस पे ऐसे शेप कट कर दिए थे, तो हम इसे कट करेंगे कि हमें छोटे छोटे बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो चलो हम कट कर लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमने थ्री सर्कल्स कट करने हैं, तो मैंने थ्री सर्कल्स कट कर लिए हैं। एंड अब हम इसे कवर भी करेंगे, तो कवर करने के लिए भी मैंने ऊपर कोई ब्लू चार्ट ले लिया है, और इसको हम कवर कर देंगे। और साथ में ही हमने जैसे कि जिसके साथ अटैच करेंगे, तो ये स्ट्रिप्स है जिसके पीछे मैंने कार्डबोर्ड लगाया है। सो कुछ ऐसा दो हमें इक्वल साइज़ में कट करने हैं, छोटे वाले, और एक हमें बड़ा वाला कट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि ऐसे कैसे लगेगा। सो गाइज, ये इसका मेन लुक होएगा, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड हम इन थ्री सर्कल्स के ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करने के लिए हम फ्लावर्स भी लगा देंगे, और सेम वही प्रोसीजर हम इनके ऊपर मोती भी लगा देंगे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो चलिए हम ये सब कुछ बनाते हैं। सो गाइज, अब मैंने एक लिया है छोटा सा थ्रेड, ताकि आप अपनी वॉल पर टांग सकते हो, ठीक है। तो ये थ्रेड कुछ ऐसा मैंने लिया है छोटा सा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पीछे लगा देंगे।
ये दिखे भी ना, और आपको ऐसे पीछे एडजस्ट करके कुछ लगा देना है। तो आइए हम लगा देते हैं। सो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है थ्रेड। सो आप अगर आप मेन व्यू देखकर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। सो ये आप इजली अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कोई फेस्टिवल कोई ओकेज़न है तो उसके ऊपर, वैसे भी आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए ये सब चीज़ें बना सकते हो। और मुझे इस बनाने का बहुत शौक है इसलिए मैंने बनाया एंड आपके साथ भी ये शेयर किया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।